दस एक का जोड़ेगा है, स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में घटिया किस्म का मटेरियल हो रहे हैं इस्तेमाल। संग्रामपुर मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था देखी जा रही है। वहीं बताते चलें कि बिहार सरकार के द्वारा आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने को लेकर के हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, जहां पर आशा और ANM एवं सप्ताह किसी दिन डॉक्टर भी वहां पर उपस्थित होते हैं, जहां पर की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज उप केंद्र में लोग करा सके। लोगों का स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने को लेकर बिहार सरकार तत्पर हैं, लेकिन इस बीच में बिचौलिया एवं पदाधिकारी ठेकेदार द्वारा कमीशन की बात करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं बताते चलें कि संग्रामपुर प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत के दुर्गापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के भवन निर्माण विभाग के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसमें कि घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण शशि भूषण सिंह एवं अन्य लोगों के द्वारा यह बताया गया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में नंबर 1 का ईंट लगाने के बदले 3 नंबर का ईंट लगाया जा रहा है। मसाला 3 बोरा बालू एवं 1 बोरी सीमेंट मिलाने के बदले 10 बोरा बालू एवं 1 बोरा सीमेंट मिलाया जा रहा है। दस एक का जोड़िया है और उसके बाद जो हम लोग यहाँ गांव से हम लोग का पूर्वज जमीन को दान किया है और ये लोग आ करके 8-10 एक में जोड़ रहा है और ढलाई तो आप देखिए रहे हैं कैसा अथी है, किया है गिट्टी और बालू, ये तो आपके सामने है, का ही लेबर है, वो लोग से पूछ लीजिए कैसा बन रहा है, वो भी बताएगा। और ईटा तो देखने का चीज़ है, मांग होगा कुछ बढ़िया से काम करे, बढ़िया बिल्डिंग बने, जो हम लोग का आगे का जनरेशन हम लोग यहाँ से स्वास्थ्य विभाग से कुछ लाभ ले सके। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम शांति भूषण सिंह हुआ। वहीं काम कर रहे मजदूर एवं मिस्त्री से जब बात किया गया तो मिस्त्री एवं मजदूर के द्वारा भी अलग अलग बातें निकलकर सामने आई। मजदूर के द्वारा यह बताया गया कि 8 बोरा बालू एवं 1 बोरा सीमेंट मिलाकर काम किया जा रहा है। वहीं लेबर के द्वारा यह बताया गया कि हमको जो बोला जाएगा हम वही करेंगे। वहीं इस घटिया किस्म मटेरियल को छिपाने के लिए भवन में काम कर रहे मिस्त्री एवं मुंशी के द्वारा यह बताया गया कि इसके पिछले कुछ दिन पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार के द्वारा इसकी जांच किया गया तो काफ़ी अनियमितता पाया गया। अब यह देखने वाली बात यह होगी कि भवन बनाने के क्रम में उचित सामान का प्रयोग किया जाता है या फिर घटिया किस्म का सामान प्रयोग करके भवन को बना कर तैयार किया जाएगा, पर कुछ दिन बाद यह भवन की स्थिति जर्जर हो जाएगा। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार के द्वारा भवन का निर्माण जो कराया जा रहा है वह बिचौलिया एवं कमीशन की भेंट चढ़ते जा रहा है। इसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया है। इस मौके पर दर्जनों से अधिक ग्रामीण उपस्थित थे।